दोस्तों फिर से निकल पड़ा हूँ मैं एक और यात्रा में, एक और सफ़र में। आप भी हमारे साथ इस सफ़र में बने रहिए। हम कहाँ जाने वाले हैं इस ब्लॉग के जरिए आपको देखने को मिलेगा। इस वक्त दोपहर के 2:30 हुए हैं। हम अपने घर मोटेरा से निकल चुके हैं कालूपुर रेलवे स्टेशन की ओर। ये है चुमन भाई पुल और इस वक्त आप देख रहे हैं RTO सर्कल। हम यहां से जा रहे हैं कालूपुर रेलवे स्टेशन एक और नई यात्रा में। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं कालूपुर रेलवे स्टेशन। इस वक्त हो चुका है दोपहर का 3 है और हमारी ट्रेन है यहां से 3:30 की पनवेल की। तो अभी हम जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जहां से कि हमारी ट्रेन जाने वाली है। फाइनली दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है कोचुवेली एक्सप्रेस, जो कि जाएगी अहमदाबाद से पनवेल जाएगी। तो पनवेल हमें उतारेगी 12:00। तो अभी हम फटाफट इसमें बोर्ड कर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। दोस्तों हमारी ट्रेन ऑन टाइम यानी कि 3:30 निकल चुकी है अहमदाबाद से पनवेल की ओर। हमारे बर्थ में ये छोटी सी लड़की बैठी हुई है और ये देखिए बाहर का नज़ारा, ये कालूपुर रेलवे स्टेशन बाहर का नज़ारा है और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ट्रेन में जर्नी करने में दोस्तों मुझे काफ़ी आनंद आता है। मैंने फ़्लाइट से भी ट्रैवल किया है, मैंने ट्रेन से किया है, बस से किया है, शिप से आज तक नहीं किया। फ्यूचर में हम शिप से भी ट्रैवल करेंगे, मगर अभी तक मुझे जितने भी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना या ट्रेन की जर्नी काफ़ी अच्छी लगती है। आप हमें नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी जर्नी अच्छी लगती है। और ट्रेन की जर्नी जब हम करते हैं दोस्तों ट्रेन से जो बाहर का नज़ारा होता है उसको देखने में काफ़ी आनंद आता है। अभी हम हैं 3rd class AC में, पहले हम कभी स्लीपर में जाया करते थे, अभी हम 3rd class AC में जा रहे हैं। और ये देखिए बाहर का खूबसूरत नज़ारा, हरियाली ही हरियाली, उसे ट्रेन की खिड़की से देखने में मुझे काफ़ी आनंद आता है। आप बताइएगा आपको कैसा लगता है। अक्सर दोस्तों जब आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आप देखते होंगे रोड में गाड़ी चल रही है और आपकी ट्रेन चल रही है, ऐसा नज़ारा जब भी मैं देखता हूं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने रोड में ऑटो चल रहा है, कार चल रही है और हम ट्रेन से इसको कैप्चर कर रहे हैं। आपको ऐसा नज़ारा कैसा लगता है। और ये देखिए खेत खलिहानों को जब देखते हैं तो हमें पूरा भारत इसमें दिखता है। ट्रेन वैसे भारत को जोड़ने का एक सबसे बढ़िया साधन है, इसमें आपको हर जाति हर धर्म हर राज्य के लोग मिलेंगे। और ये देखिए हरियाली ही हरियाली है। ये दोस्तों नड़ियार जंक्शन है, नड़ियार जंक्शन से हमारी ट्रेन निकल पड़ी है। अभी शाम का 4:25 हुआ है, अब हम पहुंच रहे हैं आनंद हम पहुंच गए थे दोस्तों 4:40 के करीब पहुंच गए थे और यहां से भी ट्रेन आगे की ओर जा रही है सूरत की ओर।
आनंद होते हुए दोस्तों, इस वक्त हमारी ट्रेन वडोदरा से जा रही है। इस वक्त शाम का 5:22 हुआ है। वडोदरा के बाद दोस्तों सूरत आएगा, सूरत पहुंचेगी 7:35 पे, उसके बाद वसई रोड पहुंचेगी 10:38 के बाद, फिर उसके बाद हमारा स्टेशन आएगा, हमारी डेस्टिनेशन आएगी पनवेल, जो कि रात को 12 पहुंचेगी। इस वक्त आप जो देख रहे हैं, ये अभी हमारी ट्रेन वडोदरा से जा रही है। तो ट्रेन में दोस्तों अक्सर जब भी मैं यात्रा करता हूं तो अपने साथ किताबों को कैरी करता हूं, पेन और नोटबुक कैरी करता हूं, मुझे कुछ भी आइडिया आता है उसे लिख लेता हूं। इस वक्त जो है मेरे पास दोस्तों दो किताबें हैं, एक किताब है खामोशी बोलती है जो कि स्पिरिचुअल बुक है, और दूसरी किताब है अज्ञात से ज्ञात की ओर, जो कि फेमस जो राइटर हैं, कलाकार हैं पंकज झा, उनके द्वारा लिखा गया कविता संग्रह है, जिनकी आपने 2011 में उन्होंने मानसून वेडिंग में एक किरदार निभाया था, उसके बाद अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे में और गुलाल में, श्री सुधीर मिश्रा जी की हजारों ख्वाहिशें ऐसी चमेली ऐसी मूवी में पंकज झा जी एक्टिंग कर चुके हैं। इस वक्त हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, वडोदरा से आगे की ओर, और आप ये देख सकते हैं हरियाली से भरा हुआ नज़ारा। तो आप बताइए दोस्तों, आप जब ट्रेन में यात्रा करते हैं तो क्या किताबें पढ़ते हैं, या ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं, कार्ड प्ले करते हैं, या कुछ ना कुछ तो आप करते होंगे। दोस्तों मैं अक्सर किताबें पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यदि हमने अपना माइंड सेट चेंज कर दिया तो हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। पुल को क्रॉस करती ट्रेन और नीचे नदी, ऐसा नज़ारा दोस्तों काफ़ी आकर्षित करता है मुझे। ये देखिए अभी हमारी ट्रेन ये पुल से आगे की ओर जा रही है, और हम इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और किताब भी पढ़ रहे हैं। इस वक्त दोस्तों शाम का 6:50 हुआ है, शाम हो चुकी है। बाहर के नज़ारों का आनंद लेते हुए मैं चाय की सिप लगा रहा हूँ, चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहा हूँ और बाहर के नज़ारे का भी आनंद ले रहा हूँ। इस वक्त दोस्तों रात का 10:50 हो चुका है। मैंने पंकज झा का कविता संग्रह अज्ञात से ज्ञात की ओर पूरा पढ़ लिया है, और अभी हम पहुंच चुके हैं फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे। 12 बज चुका है पनवेल दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं, रात का 12 बजा है। अभी यहां से दोस्तों बाहर निकल कर हम ऑटो करके हम श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर पनवेल चले जाएंगे, और फिर वहां पर जाके रात को रेस्ट करेंगे, क्योंकि खाना तो हमारा ट्रेन में हो चुका है, माताजी ने बनाया था, हमने वही खाना खाया। अभी हम बाहर निकल के ऑटो पकड़ के मेडिटेशन सेंटर जा रहे हैं। हमने दोस्तों मीटर ऑटो हायर कर लिया है और हम कुछ ही देर में आश्रम पहुंच जाएंगे, क्योंकि पनवेल से बहुत ही पास है। इस ब्लॉग को हम दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, फिर मिलेंगे दोस्तों कल। ये हम फाइनली पहुंच चुके हैं, कल आपको मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि और खुश रहिए।